माता की जय। भारत माता की जय। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। बीच में वो कोविड का बीमारी आ गया था, उसकी वजह से नहीं कर पाए थे। आज भी जब काफ़ी दिन से प्लान था, आज थोड़ा बारिश होकर शायद हमें लगा कि और भी आ सकते थे, लेकिन फिर भी 750 के करीब वीर नारी और भूतपूर्व सैनिक आए इधर। उनको सम्मान करके हमें बहुत खुशी हो रही है। हम आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ आके इस इवेंट को कवर किया। मैं एक फैमिली है तो हमेशा जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके साथ हम कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब फौज में रहते हैं तब भी फैमिली की तरह रहते हैं और बाद में भी उनके साथ कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ये हमारा हर जगह होता है, शेड्यूल्ड होता है, हम प्लान करके करते हैं इनको। मैक्सिमम जो भी ऐसा नहीं कि रैली नहीं है तो कॉन्टैक्ट नहीं होता, कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन रैली में ये जो फिजिकल जो कॉन्टैक्ट होता है जो सम्मान करने का वो मौका मिलता है। डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दिनों से नहीं कर पाए थे तो उसी कारण से ये हमने प्लान किया है, और हमें खुशी है कि करीब 800 के करीब एक्स सर्विसमैन इनको हमने बुलाया था, तो 700 से 800 के बीच में ख़राब वेदर के कारण भी लोग 22 तहसीलों से यहाँ पे आए हैं। और इस रैली में हमारी ये कोशिश होती है, जैसे कि कमांडेंट साहब ने अपने भाषण में भी बोला, कि हमारा एम है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन के साथ संपर्क बनाए रखें, उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहें। हालांकि उनके पास हमारे नंबर्स कांटेक्ट वगैरह रहते हैं, लेकिन 1-to-1 उनसे मिलना, ताकि उनको ये तसल्ली दिलाएं कि हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं। जो भी सरकार की नई पॉलिसीज़ हैं वो परिवर्तन होती रहती हैं, और उनको वहाँ तक पहुँचाना, उनकी कोई तकलीफ़ है उसको सॉर्ट आउट करना, ये हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और इसे हम निभाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत हैप्पी हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी मदद की और आप लोग मीडिया से इसको कवर करने के लिए आए।